कबंध को गति देकर जब शबरी जी के आश्रम आए, भगवान वहां अवश्य जाते हैं जहां कोई उनकी प्रतीक्षा करता है। हमारे जीवन में, गृहस्थ में व्यवहार संपन्न रहकर हम भी भगवान की प्रतीक्षा करेंगे तो प्रभु हमारे यहाँ भी अवश्य आएंगे। कब आएंगे इसकी चर्चा कल होगी, लेकिन शबरी अम्बा के यहाँ भगवान आ गए। कैसे आ गए? शबरी जी पुकारती हैं, आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी शबरी संवार रास्ता। नित्य कैसे रहे हो? सहज कैसे रहे? सहज रहे। जीवन की सहजता ही भगवान की भक्ति है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, तब लागी समाधि अखंड अपार। भगवान सहज हैं, हम भी सहज रहे। बहुत कठिन आदमी अच्छा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने को ही समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, खुद ही समझ में नहीं आते कि हम क्या समस्या है। हरिहर भगवान आ गए। गुरुदेव भगवान मातंग जी ने बताया था, ये परिचय है, ऐसे ऐसे समझना। कैसे? भगवान की जटाओं पर, भगवान के सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, कंठ में वनमाल होगी, कंठ से पांव तक पांच पुष्पों के, अरे नेत्र उनके कमल जैसे, कमल की पंखुड़ी जैसे होंगे, भुजा घुटने से थोड़ी बड़ी होगी, देखिए चौपाई, सरस जलोचन बाहु विशाल जटा मुकुट सिर उर श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्यामले होंगे, गोरे होंगे, दो भाई होंगे। जब ये पांचों पक्का हो गया तब शबरी परी चरनिया में लिपट गई हो। काहे काहे लिपट गई? आ गए मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर आ गए। शबरी देख राम गृह आए, मुन के बचन समुझी जिय भाई। देखिए, मार्गदर्शक का सदैव स्मरण बनाए रखना चाहिए। हमको जिसने भक्ति पथ पर आगे बढ़ाया है उसका विस्मरण कदापि नहीं होना चाहिए। स्मरण में रखिए, जिसके द्वारा हमारे अंदर भक्ति का अंकुर उदित हुआ। शबरी अम्बा क्या सोचती है? आगे गुरु जी ने कहा था आएंगे राम जी, आ गए प्रभु। और ये भी ध्यान रखिएगा, शबरी अम्बा लक्ष्मण जी का आदर नहीं करती। सादर जल ले चरण किसके पखारे? या तो प्रभु के। पुनः सुंदर आसन बैठा दे किसको? या तो राम जी को। लक्ष्मण जी खड़े हैं, कथा में बाबा कहीं तो लिख देते, एक ही शब्द लिख देते, लक्ष्मण हूं संग बैठा रे ना। हाँ, प्रभु को एक निष्ठ है माई। जो सेवा में है, जो सेवक है, उसको आराम से परहेज रखना चाहिए।
हम आप सब सेवक हैं। भगवान ने कहा हमें भूख लगी है। शबरी अम्बा जल लेकर पांव धोई, कुसाग्र दिव्यासन पर पधराई, भगवान ने मांगा, जो लाई थी खिलाने लगी। आहा, प्रभु प्रशंसा करते, बहुभांति प्रशंसा करते। कहीं खाया जाए तो भोजन न खाया जाए, प्रेम खाया जाए। और किसी को दिया जाए तो अन्न न दिया जाए, उसमें प्रेम डाल के दिया जाए। कई लोग खिलाते तो हैं लेकिन कहने से बाज नहीं आते हैं, और कितना खाओगे, ये तो कुछ नहीं है। समय के बड़े पाबंद हैं, 12 बजते ही थाली चम्मच लेके आ जाती, रोटी जाएगी मुख में, न खिलाओ। खिलाओ तो आंख में प्रेम रखो। कई लोगों के हाथ से मनुष्य तो क्या कुत्ते भी नहीं खाते, क्यों? वो जानते हैं एक बार दिया था तो डंडा मारा था। अरे कौन खिलाता है हो, सबको भगवान खिलाता है, कोई किसी को नहीं खिला सकता है, न कोई जिला सकता है, न कोई खिला सकता है, और तो क्या कहें, कोई किसी को पढ़ा भी नहीं सकता है, जिसके होती है यहां वही पढ़ता भी, कुछ नहीं कर सकते हम। हम लोग केवल अभिमान कर सकते हैं, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। प्रभु पा रहे हैं प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। शबरी अम्बा आज प्रभु आए तो नहीं फल लेकर आई, निरंतर जब से गुरुदेव भगवान ने कहा था वही सेवा निरंतर करती रही। क्यों? न जाने किस दिन राम जी आ जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है अपने घर की ऐसी तैयारी हो, कोई अतिथि कब आ जाए, अरे चाहे जब आ जाए, 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, जो आ जाए, आप कुछ तो खाएंगे ना, यहां इन नहीं किया समझिए खाएगा। न खाने वाला कहता ना 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 ना, भरा है अभी अभी तो पाके आ रहे हैं, यहां अन्न से शुरू भैया रास्ते यही क्या, इसका मतलब आप खाएंगे। भूख सीधी जवाब नहीं देने देती है, उसका पता चलता है। समझना चाहिए। और देखिए बिना बताए कोई आ गया, यही तो यज्ञ है ना। कई लोग तो ऐसा नाराज हो जाते हैं, अरे आप आने के पहले एक टेलीफोन कर देते तो फिर आपके गृहस्थ आश्रम का क्या होता। जो तिथि और समय बता के आ रहा है उसका नाम है सतिथि, जो बिना बताए आ गया उसी का नाम है अतिथि। ये यज्ञ है। पूरे देश में मैंने अपनी सभी बहुरानियों से, जो माताएं हैं बहुरानियां, सबसे कह रखा है मैं 1 घंटे का मौका देकर टेलीफोन करूंगा, जो हो वही खिलाना, दुकान से रसमलाई न मंगाना, हम पसंद नहीं करते हैं। घर में फ्रिज में तो रखे रहती है बहने, आजकल बहुएं तो फ्रिज में 3 दिन का आटा भी रखे रहती है, उसको खिलाओ कटोरी दर कटोरी। अरे मेहनत करना ना पड़े, वही पति को ऑफिस जाते, वही बच्चों को विद्यालय जाते, वही बाबा जी के आते, फटाफट। बुरा नहीं है, इसको हम बुरा नहीं मानते, व्यवस्था है, करो आप। विदेश से तो ठीक है, वहां तो डिब्बा बंद है महीनों का, यहाँ तो 3 दिन का है कम से कम, तो चलेगा। कोई आ गया, सुबह आए तो जलपान कराओ, दोपहर में आए तो प्रसाद खिलाओ, संध्या वेला में आए प्रसाद खिलाओ। सावधान, घर ले जा सको तो घर ले जाओ, नहीं तो जहां हो वही खिलाओ। ये गृहस्थ आश्रम है, इसलिए मनु जी ने कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। सिद्धांतवादी न बनिए, नहीं नहीं आपको बता के आना चाहिए, ये क्या, जब आइएगा तब होगा। हो शबरी अम्बा को भगवान बता के आए नहीं, लेकिन नित्य तैयारी थी शबरी अम्बा की, न जाने भगवान कब आई है, भगवान बता के नहीं आएंगे।
मैं बारंबार आपको सुनाकर कहता हूँ, समझाकर कहता हूँ, धर्म करने के लिए बहुत सामान नहीं चाहिए। एक पैसे में भी हो सकता है, थोड़े में भी हो सकता है। बस मान लो आप ये बताओ, कहीं सूची में, भक्तों की सूची में कोई बहुत बड़ा आदमी उधार पाया हो, उसका नाम बताओ आप। गणिका गीध अजामिल तारे, ई कौन करोड़पति हैं, ई कौन राजा साहब हैं। अब विचार करो, ये चित्त से, मन से, हृदय से निकालिए, जिसके पास बहुत सामान रहता है, भगवान उसी का उद्धार करते हैं। नहीं, उसका उद्धार तब होगा जब भगवान ने जो सामान दिया है वो भगवान में और अधिक अर्पण करे, तब उसका उद्धार होता है। लेकिन हमारे आप जैसे जो ठंडपाल हैं, ये थोड़ी करे थे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जितना है उतने की वाह वाह है। नहीं है कि नहीं, बताइए, सोचिए। अपने को कभी कम न मानिए, भगवान की भक्ति, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, तीर्थों की भावना का आदर, सनातन धर्म की रीढ़ को संहारने का कार्य, ये जो भी सत्कर्म धरा धाम पर चल रहे हैं, ये अति सामान्य लोगों के तप से चल रहे हैं। कारण, भगवान ने उनको इसलिए इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि ये हमारे कार्य में आवें, ये हमारे व्यवहार में आवें, ये हमारे कार्य का प्रसार करें। जिसके पास बहुत सामान बढ़ जाएगा, उसके पास भगवान को छोड़कर सबके लिए पर्याप्त समय आएगा, और जिसके पास जितना सामान कम है वो उतना भगवान के उपयोग में रहता है। इसलिए हम आप भाग्यशाली हैं, हमारे पास सामान कम है। कम सामान भजन आसान। भजन आसान सोचिएगा, मान बिंदु, धर्माचरण, सत्कर्म, पुण्य, कैसे क्या कहें आप, कहिए। नहीं, भगवान ने नव धा धा मने प्रकार, शबरी अम्बा कहती हैं, आपकी प्रशंसा कैसे करूं प्रभु, मैं नारी हूं, भील की बिटिया हूं, उस कुल में मेरा जन्म हुआ, अधम अते अधम, अधम अति नारी, तिन मोह मैं मति मंद अघारी, हे पाप शत्रु, मैं उस कुल में जन्मी हूं जहां भक्ति नहीं। देखिए, भक्ति कुल नहीं मांगती, मैंने कहा ना, भक्ति संबंध मांगती है। आप ये तय कर लो, भगवान से हमारा क्या संबंध है। जब भगवान से आप संबंध बना लेंगे, जैसे आप कहाँ जाते हैं, आ तो जहां आपका संबंध होता है, भगवान भी आपके पास क्यों आए, जब आपका भगवान से संबंध होगा तभी तो आएंगे। तो कोई संबंध आप बना लो, भाई का, मित्र का, पिता का, जो आपको अनुकूल हो बनाइए, चलने दीजिए। भगवान ने कहा, समड़े मानो एक भगति कर नाता। भक्ति स्वतंत्र है, आप में मैं भक्ति सुनाता हूं, नौ प्रकार की भक्ति है और नौ प्रकार समाहित है। सुना चुका हूं आपको, फिर भी एक बार स्मरण करिए, स्मरण करिए गाकर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुना गना करई कपट तजिमा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील
निरति बहु कर्मा हे कर्म निरत निरंतर सातम सम मोहि मय जग देखा मोते आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर नवम सरल सब सन छल ही ना मम नवम हूँ एकवु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति हे सोई अतिशय प्रिय भामिनी नव प्रकार प्रभु ने भक्ति माँ को सुनाई और कह दिया कि ये नौ आप में है, इन नौ में से कोई एक हम कर लें। कुछ नहीं करना, न चढ़ना न उतरना, न कहीं आना न जाना, न सिर लड़ाना, कुछ करने नहीं। जिसमें हमारी रुचि हो, प्रभु ने कहा सरकार के श्रीमुख वचन, नव महु एकव जिनके होई नारी पुरुष सरा सचराचर पूरे जगत में एक भी भक्ति हो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो नव है, जोगियों को दुर्लभ गति आपको प्राप्त हुई। अब आप सीता जी का पता बताइए। माँ ने कहा आप पंपा सरोवर जाइए, मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे, उनको पंपा सर भेजिएगा, सुग्रीव जी से उनकी मैत्री होगी और राम जी का सब कार्य वह संपन्न करेंगे। सावधान, हम कोई भी सत्कर्म प्रारंभ करें फिर यह विचार न करें कि कैसे होगा। कथा करना प्रारंभ करें, मंदिर बनाना प्रारंभ करें, यज्ञ ठान दें, जो भी अपने पास है पत्र पुष्प ठानिए। कौन करेगा? आ तो जिसका कार्य है वो अपने आप किसी को प्रेरित करके करवा लेंगे, वो करवाते। कौन करता है? आ तो प्रभु करते हैं, इसलिए तो हम बार बार गाते हैं ना, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। आप सभी को देखे लखनऊ का स्वभाव है जो हो रहा है ना, मैंने तो कहा नहीं, लखनऊ का स्वभाव है। लखनऊ के लोग न जाने क्या, ये तो मेरी कुंडली में लखनऊ ज़्यादा ज़बरदस्त है अथवा लखनऊ वालों में प्रेम भूषण की कुंडली ज़्यादा ज़बरदस्त है, कुछ है ही है, ये संयोग है। ये कथा में टालता टालता लेकिन हमारे ज्ञानंद भैया हर्ष मिश्रा साहब की ऐसी रचना बनी, हमको सौभाग्य मिला। भगवान ने शबरी माँ को विदा किया, अपने पंपा सर आए, नारद जी से संवाद हुआ, राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो, उन्होंने वर मांगा है और संतों के लक्षण पूछे। भगवान ने इधर एवं मस्तु कहा, विवाह मैंने करना चाहा आपने क्यों नहीं करने दिया, इस प्रश्न का समाधान पाए। भगवान ने संत लक्षण बताए और अब आगे की कथा ऋषिमुख की ओर जाएगी, जिससे सुंदरकांड और रामराज्याभिषेक के साथ कल हम लोग कथा को पूर्ण करेंगे। चलते चलाते थोड़ा हरि नाम जप लो, फिर मिलते हैं कल 4 बजे। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता।
सीताराम राम राम हरे हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभु नाथ हनुमान राम लखन श्री जान के सदा करो सियावर राम उमापति महादेव पवन सुत हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय नमः पार्वती पतये हर।